bases and alkenes. Right? अब यहाँ पर भी जब एसिड की डाइल्यूशन की बात करते हैं कि एसिड्स में हम लोग कैसे डाइल्यूट करें, सो इन द सेम वे डाइल्यूशन से नहीं लिंक है, बट दैट इज लिंक विद द वाटर. अब कहते हैं दैट ऑल बेसिस, ऑल एल्कीन्स आर बेसिस. अब पेपर में ये स्टेटमेंट दे देते हैं और कहते हैं दैट इन द स्टेटमेंट कि सारे एल्कीन्स जो हैं वो बेसिस हैं, बट सारे बेसिस जो हैं अब लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर, बेसिस जो आप पढ़ के आए हो अभी तक वही हैं, दैट इज कोएच नेगेटिव. एल्कीन्स भी सेम होते हैं व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर. तो हमने क्या लिखा है, ऑल एल्कीन्स आर बेसिस. तो जो एल्कीन्स हैं वो बेसिक करेक्टर शो करते ही करते हैं, जैसे बेसिस OH नेगेटिव आयन दे रहे हैं वैसे ही जो एल्कीन्स हैं वो भी OH दिखते हैं. बट डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस एक्चुअली, जो एल्कीन्स होती हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं. तो जो बेसिस आपके पानी में सॉल्युबल हैं, द बेसिस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर नोन एज एल्कीन्स. वो बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हैं हम उनको एल्कीन्स कहते हैं. बट दिस इज नॉट कंपल्सरी कि सारे बेसिस जो है वो पानी में डिसॉल्व कर जाएं या पानी में सॉल्युबल हो जाएं. इसीलिए ये स्टेटमेंट लिखी है दैट ऑल एल्कीन्स आर बेसिस. एल्कलीज जो होती हैं दे आर वाटर सॉल्युबल बेसिस. बेसिस तो होते हैं पर ये पानी में सॉल्युबल होते हैं. बट ऑल बेसिस कांट बी एल्कलीज. हां थ्योरी में बोल के चला. बट ऑल बेसिस दे कांट बी. ये मैं दूसरा एडिसी. ऑल बेसिस दे कांट बी एल्कलीज. व्हाई? क्योंकि सारे के सारे बेसिस जो हैं वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते. Only some of the alkenes they are water soluble. जैसे NaOH हो गया, calcium hydroxide. They are some of the alkenes that readily dissolve in water. हाँ जी, तो statement is clear now. समझ आ गया बेटा? Alkenes और bases दोनों काम show करते हैं, same शब्द काम show करते हैं. OH negative ions की तरह behave करते हैं. OH negative ions देते हैं. But the only difference lies here is कि एक water soluble है और दूसरा water soluble नहीं है. Alkenes हमेशा पानी में soluble होंगे, but ये compulsory नहीं है कि अगर alkenes water soluble है तो सारे के सारे bases जो हैं वो water soluble होंगे. नहीं, some bases they are not water soluble. Okay? तो हम उनको सिर्फ bases कहते हैं, पर जो पानी में soluble है हम उनको alkenes कहते हैं. Okay? Clear? Yes, no? हाँ जी बेटा, yes, no तो बोल दिया लो. Okay. Now you can write down some of the name of the organic bases and their source. तो सबसे पहले लिखते हैं एसिटिक एसिड, दैट इज यू नो जस्ट हियर इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट इन विनेगर. ये हमने पहले किए हुए हैं. मैलिक एसिड, दिस इज प्रेजेंट इन एप्पल्स. ब्यूटाइलिक एसिड, दैट इज प्रेजेंट इन रैंसिड बटर.
एसिड का मतलब जो खराब हो जाता है, मतलब ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटोज में, स्पिनच में, ओके, फॉर्मिक एसिड, इन स्टिंग्स, स्टिंग्स ऑफ सम इंसेक्ट्स लाइक एंट, हनीबी, ओके, तो उनके स्टिंग्स नहीं होता. सिमिलरली एंडोमेट्रियोसिस एसिड, निकनोइक प्रेजेंट, निकनोइक एसिड इज प्रेजेंट इन एक्चुअली द स्टिंग ऑफ नेटल प्लांट. नेटल प्लांट के लीव्स होते हैं दैट आल्सो बेसिकली शो द स्टिंग इन करेक्टली. ओके, सो लैक्टिक एसिड यू कैन से इन द सोर मिल्क, अगर खट्टा मिल्क होगा तो उसमें लैक्टिक एसिड होगा बेटा, सोर मिल्क हो गया, कर्ड हो गया. ओके, यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन द यूरिन. Amino acids, they are present in the proteins. Amino acids, they are present in proteins. Rub kar do beta ye amino acids. You are having proteins in your body, or proteins ke jo simplest compounds hain, they are the amino acids. Okay. Next is folic acid. It is present in olive oil. Okay. Stearic acid that is present in the fats. Stearic acid is present in the fats. वैसे आपके लामे हो गए, ऑरेंजेस हो गए, ड्रैगन फ्रूट, और सिक्रेटिस, ओके. सो दीज आर सम ऑफ द एसिड्स दैट वी हैव लर्न दैट आर प्रेजेंट इन द नेचुरल सब्सटेंसेस. ठीक है, तो वन वन मार्क के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं कि इनमें कौन सा एसिड होता है. Now coming to the next question. अच्छा ये question पूछ लेते हैं. That during summer season, a milkman usually add a small amount of baking soda to fresh milk. Yes, what is the reason, beta? So why milkman he added baking soda during the summer season in the milk? To avoid curdling of milk. Very good, Kajol. So milk की curdling कैसे होती है basically? So in the summer season, the milk it starts turning, you can say spoiling होना शुरू हो जाता है, right? Okay. So in the summer season, the milk it starts spoiling. तो उसको spoiling से prevent करने के लिए, ताकि वो जो खराब ना हो, curdling ना हो उसकी milk की. ओके, तो उसके कारण क्या किया जाता है, उसमें बेकिंग सोडा ऐड किया जाता है इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज दैट एसिड. तो वो जो लैक्टिक एसिड है मिल्क में उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द बेकिंग सोडा. ओके, तो जब मिल्क आपका सोर होना शुरू हो जाता है, यानी कि खट्टा होना शुरू हो जाता है, स्पॉइल होना शुरू हो जाता है, तो वो जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है उसको बेसिकली क्या किया जाता है, न्यूट्रलाइज किया जाता है विद द बेकिंग सोडा. Okay, in order to prevent it from the spoilage.
बेटा सिट्रिक एसिड का सिट्रस फ्रूट्स लिखे हैं, सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन ऑरेंजेस दे आर द सिट्रस फ्रूट्स. ओके सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. व्हेन वी डिड द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस, हमने उसमें ये बताया कि ये वाला एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बेस स्ट्रॉन्ग है, ये वाला एसिड वीक की तरह बिहेव करता है, ये वाला जो बेस है वो वीक की तरह बिहेव करता है ड्यू टू देयर आयनाइजेशन और डिसोसिएशन. ठीक है, अब हमने ये तो कह दिया, बट हाउ वी आर गोइंग टू मेजर इट. मैं कैसे बोलूंगी कि ये जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या ये जो है वो स्ट्रॉन्ग है. ओके सो क्या पैरामीटर है जिससे हम मेजर कर सकते हैं और हम बता सकते हैं वेदर दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग और दिस बेस इज स्ट्रॉन्ग. ओके और दिस थिंग इज न्यू. So on which parameter we are going to measure the strength of the acid and bases? So that parameter is actually the pH. Okay, so our next topic is pH. So pH is used to measure the strength of the acid and bases. आपने लॉग्स यूज किए हैं, दोज़ हू हैव गिवन द एग्जाम्स, ठीक है, उनको उनको माइट बी ये टर्म्स फैमिलियर हो लॉग लिखने के. ओके सो पीएच इज डिफाइंड एज अ नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन. ओके और यहाँ पर जो हमने लॉग लेना है वो बेस टेन है. प्लीज राइट डाउन इन द ब्रैकेट एज बेस टेन. ठीक है तो मैंने जो भी लिखा है हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड इट और हाउ वी आर गोइंग टू शो इट. सो पीएच में क्या कह रहे हैं, तो पीएच किसके इक्वल है, नेगेटिव. सबसे पहले मैं लिखूंगी नेगेटिव. नेगेटिव ऐसे होता है लॉगरिथमिक दैट इज बेस टेन. राइट तो मैंने लॉग लिखना है, एल ओ जी इज लॉग दैट इज एन बेस टेन. किसकी कंसेंट्रेशन ले रहे हैं, हाइड्रोजन की या हाइड्रोनियम आयन की. आइदर यू कैन राइट डाउन लाइक दिस. कंसेंट्रेशन के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करते हैं. कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, आप पढ़ के आए हो नाइन्थ में कि कितना सॉल्यूट लिया है हमने, ठीक है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और इन सम अदर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट टू मेक अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन. ठीक है तो कंसेंट्रेशन के लिए हम ये ब्रैकेट्स यूज करेंगे. सो दीज ब्रैकेट्स दे रिप्रेजेंट कंसेंट्रेशन. किसकी कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन की, एच पॉजिटिव की
या आप H पॉजिटिव, H three को पॉजिटिव means that is the hydronium ion. You can write down either H positive or you can also write down H three को positive hydronium. So this is the pH, actually the pH of the acid or base. So this is the negative logarithmic base power 10 of the hydrogen ion concentration or hydronium ion concentration. pH is equal to minus log base 10. ये concentration की terms हैं. H positive hydrogen ion है. H3O positive represent hydronium. ठीक है? तो अगर आपने यहाँ पे hydronium ion लिखा है, तो you can write down like this. ओके यहां आप एच पॉजिटिव लिख सकते हो दोनों बेसिस को रिप्रेजेंट कर सकते हो पर एक ही लिखना है दोनों ने लिखने हैं क्योंकि एच पॉजिटिव यहां तो आप सिंगल लिख सकते हो यहां कंबाइंड विद द वाटर यू कैन एच ओके अब नेक्स्ट थिंग अब पीएच स्केल की बात करते हैं स्केल है यानी कि जैसे आपके स्केल्स के ऊपर मार्क होते हैं राइट देयर नंबर्स आर रिटन फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन सो ये भी एक तरह का स्केल है जिसके ऊपर कुछ नंबर्स रिटन होते हैं जिसके ऊपर कुछ नंबर्स रिटन होते हैं सो इन द वेरी सेंटर पे इज नंबर 7 बिकॉज़ दैट स्केल इट गोस फ्रॉम 0 टू 40 ओके ये स्केल जो है वो कहाँ से जाता है 0 से 14 तक जाता है तो 14 का हाफ होता है 7 तो इसलिए अगर किसी चीज की पीएच आती है 7 इफ एनी सब्सटेंस इज हैविंग पीएच ऑफ 7 किसी भी सब्सटेंस की अगर आप पीएच 7 बता रहे हो तो दैट मींस यू आर शोइंग दैट दिस सब्सटेंस इज न्यूट्रल दैट डजंट शो एनी ऑफ द एसिडिक और बेसिक करेक्टर ठीक है तो इस सब्सटेंस का ना ही आप एसिडिक करेक्टर शो कर रहे हो और ना ही बेसिक करेक्टर ओके अब जब आप इस तरफ मूव करोगे इस स्केल के एंड आर मूविंग टू दिस साइड ऑफ द स्केल हियर ऑन दिस साइड द बेसिक कैरेक्टर इट विल इंक्रीज और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल इंक्रीज यानी कि अगर मैं बात करूं 8 और 11 में से कौन ज्यादा बेसिक है तो 11 वाला ज्यादा बेसिक है ठीक है क्योंकि जब मैं इस तरफ मूव कर रही हूं तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है So out of 9 and 13, okay, 13 will be having more basic correct. 9 and 10, 10 solution, pH having solution 10 will be of high basic correct. And similarly, when we are moving to this side, to this side we have acidic correct in the यानी कि अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है हैविंग पीएच ऑफ 6 एंड इफ यू आर हैविंग अ सॉल्यूशन हैविंग पीएच 2 ओके एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 6 है और एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच 2 है तो इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा 2 पीएच बिकॉज व्हेन यू मूव दिस साइड ठीक है जैसे जैसे आप इस तरफ आते जाओगे तो जो एसिडिक करेक्टर है वो बढ़ता जाएगा ओके तो इस स्टेटमेंट से हम और क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज पीएच आपको बताता है माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ठीक है माइनस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे किसी सब्सटेंस की एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसकी जो पीएच की वैल्यू है वो कम होती जाएगी यही हम कह रहे हैं कि जैसे लोअर पीएच लोअर नंबर्स की साइड जा रहे हैं वैसे वैसे उसका एसिडिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है So what I deduce from this? मैंने क्या कहा है?
higher the concentration, or you can say higher the H cross defined concentration, lower is the pH value. ठीक है, जितना ज्यादा कोई एसिडिक करेक्टर शो करेगा उसकी पीएच उतनी कम होती जाएगी बेटा, यही हमने बताया अभी. ओके, कि 6 और 2 में से किसकी पीएच ज्यादा होगी, किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, 2 वाले. ठीक है, बट 2 वाले की पीएच तो कम हो गई, तो यही मैंने लिखा है कि जितना ज्यादा उसका एसिडिक करेक्टर होगा उतनी कम उसकी पीएच वैल्यू होगी. ओके, हायर द एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन और यू कैन से एसिडिक करेक्टर लोअर इज द पीएच वैल्यू, उतनी ही कम उसकी जो पीएच की वैल्यू. ओके, सो सिमिलरली हम यहां पर जो बेसिस हैं उनकी भी पीएच शो करते हैं बाय द कोएच 99 कंसंट्रेशन. राइट, अगर मैंने बेस रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसकी कोएच 99 कंसंट्रेशन देखूंगा. बट नॉर्मली हम पीएच स्केल जो है उसके ऊपर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं. उसके बाद हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है जिसमें हम एसिड और बेस की अगर पीएच को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक कांस्टेंट के इक्वल आता है. ठीक है, तो हम वहां से जो बेस है उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं. ओके, सो फॉर द बेस द पीएच फार्मूला इज नॉट यूज फ्रिक्वेंटली, बट हमने एसिड्स के लिए ये फार्मूला जो है वो यूज करके एसिड की पीएच अगर निकल जाएगी तो उसके साथ साथ बेस की भी हम निकाल सकते हैं इजीली. राइट, हाँ जी, क्लियर है बेटा. इज दिस क्लियर? राइट, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कलर्स हैं आपके पास. ठीक है, नंबर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट आपके पास, 1 है 2 है 3 है 4 है. अब अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में ये पीएच जो है वो स्केल देखना है तो मुझे कैसे वेरीफाई करेगा वो कि मुझे कौन सा नंबर मिल रहा है उस सॉल्यूशन में. ओके, सो इफ आई एम टेस्टिंग हाउ आई विल नो दैट वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक, मोर एसिडिक, लेस एसिडिक, मोर बेसिक और लेस बेसिक. ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग यूनिवर्सल इंडिकेटर. ये पीएच स्केल है हमारा, राइट, सो वी विल बी यूजिंग दिस ऑन द यूनिवर्सल इंडिकेटर. दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. यूनिवर्सल इंडिकेटर दैट इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मेनी इंडिकेटर्स. अब अगेन मैं आपको दिखा दूंगी, कल हम मैं आपको इंडिकेटर दिखाऊंगी, यूनिवर्सल इंडिकेटर, जिसमें हम टेस्ट करेंगे कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशंस हमने कैसे देखने हैं, किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ है, किसकी कम है. ठीक है, तो मैं आपको जनरल बता देती हूँ इसमें क्या होता है. हमारे पास एक रेंज आती है फ्रॉम 0 to 40. ठीक है, ऐसी एक स्ट्रिप बनी होती है, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 40. इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जैसे व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम द 0 तो बहुत ज्यादा डार्क रेड कलर होता है. ओके, इस डार्क रेड की इंटेंसिटी कम होती जाती है, थोड़ा लाइट रेड आएगा, फिर ऑरेंज शेड आएगी. ठीक है, ऐसे ही 2 ऑरेंज शेड्स के बाद ये येलो में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, तो येलो के बाद फाइनली जब आप 7 पे पहुंचोगे तो डायरेक्टली बिगिनिंग टू ग्रीन. डार्क रेड से स्टार्ट हुए, रेड से फिर हल्का थोड़ा सा लाइट रेड, देन ऑरेंज, ऑरेंज से फिर थोड़ा सा और लेस ऑरेंजेस में जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली चेंज होके फाइनली इट विल मूव इनटू द ग्रीन कलर व्हेन इट अप्रोचेस अ पीएच ऑफ 7. ठीक है, फिर 7 के बाद ये कलर जो है अब उसकी इंटेंसिटी बढ़नी शुरू होगी, फिर ये डार्क ग्रीन हो जाएगा.
लाइट ग्रीन आएगा यहाँ पर आपके पास। लाइट ग्रीन के बाद आप ग्रीन में जाना शुरू होगा, देन इट विल स्टार्ट मूविंग इनटू द ब्लू कलर। तो ब्लू कलर्स में ये ट्रांजिशन शो करेगा आपको, लाइट ब्लू, डार्क, फिर सबसे डार्क ब्लू में जाएगा। ओके, एंड फाइनली एट द 14 PH यू विल गेट अ पर्पल कलर। ठीक है, 13 और 14 पीएच पे आपको बहुत ज्यादा डार्क पर्पल और ब्राउनिश शेड मिलेगा। ठीक है, डार्क पर्पल, पर्पल और डार्क पर्पल शेड्स में तो आपको मिलनी शुरू होगी 14 पे जाकर। तो ये कलर चेंजेस देता है आप। ओके, तो हमने क्या करना है, ये स्ट्रिप में आपको कल दिखाऊंगी। ओके, सो वी विल बी टेकिंग एन इंडिकेटर फ्रॉम दिस स्ट्रिप। ये उस इंडिकेटर के बिल्कुल टॉप पे होती है ये स्ट्रिप। ठीक है, तो आपने उसमें से एक इंडिकेटर निकालना है, एक स्ट्रिप निकालनी है। ओके, वी विल बी टेस्टिंग इट ऑन द एस्पिरिट बेसिस और न्यूट्रल सर्फेस। तो जब मैंने डिप किया तो वो स्ट्रिप जो है वो कुछ ना कुछ कलर चेंज देगी मुझे, एंड देन आई विल बी कंपेयरिंग इट विद दिस ट्रांजिशन ऑफ कलर्स। फिर मैं उसको इन कलर्स के साथ क्या करूंगी, मैच करूंगी कि मेरे उस स्ट्रिप के ऊपर कौन सा कलर आ रहा है। ठीक है, सपोज द कलर इज ग्रीन, लाइट ग्रीन। ठीक है, और मेरा जो कलर है वो स्ट्रिप वाले कलर के साथ मैच कर गया, दैट मींस माय सॉल्यूशन इज हैविंग अ पीएच ऑफ 7 एंड दैट इज न्यूट्रल इन नेचर। ओके, तो इसी तरह आपको 0 से 14 से तक डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है उस स्ट्रिप के ऊपर नजर आएंगे और हमने अपना जो सॉल्यूशन है उसको कंपेयर करना है। ओके, अपनी सॉल्यूशन की जो स्ट्रिप का कलर आ रहा है उसको ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर की स्ट्रिप है इसके साथ कंपेयर करना है। ओके, तो आफ्टर कंपेयरिंग वी विल सी व्हाट कलर वी आर गेटिंग एंड ऑन व्हिच नंबर दैट कलर एक्चुअली मैचेस। ठीक है, तो उसके साथ मैच करके हमने फिर उसकी पीएच बतानी है, दैट इज द रोल ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। एनी डाउट, एनी डाउट टू यू, यू कैन आस्क बेटा। और अगर आप, ये तो मैनुअल मेथड हो गया, ठीक है, हम हाथ से करते हैं। एक्सेप्ट दिस मेथड वी आर हैविंग पीएच मीटर्स आल्सो। ठीक है, तो अगर आपने ये जो है वो बेसिकली लैब में करना है, सो वी आर हैविंग पीएच मीटर्स दैट विल डिटरमाइन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, राइट, तो टेक्निकली जो पीएच मीटर्स होते हैं वो भी आपको उस सॉल्यूशन की पीएच बताते हैं। Right, so we will be discussing this topic tomorrow again.